आप देख रहे हैं आर राष्ट्रीय न्यूज चैनल। हम बताएंगे आपको राष्ट्र की बात हक में, क्योंकि हमें है हक बेबाक कहने का। ये इसमें एक फरियादिया थी श्रीमती कंचन पाठक, ये विंध्याचल एक्सप्रेस में सफ़र कर रही थी और चूंकि अभी रक्षाबंधन का समय था, काफ़ी सारी भीड़ भाड़ थी ट्रेन में। चढ़ते समय इनको लगा कि इनका पर्स का चेन किसी ने खोला है और उसमें से इनके कुछ जेवर थे जिसमें सोने का हार था 32 तोले का और एक 7 ग्राम की पंचाली थी और कुछ कैश रुपया भी था। तो इन्होंने तत्काल जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया। तत्काल ही प्लेटफॉर्म पे पूछताछ में ये पता लगा कि कुछ महिलाएं भी जो हैं वो प्लेटफॉर्म पे उपस्थित थीं जो अचानक भागी हैं। तो तत्काल जो थाना प्रभारी गाडरवारा हैं जीआरपी के श्री प्रकाश श्रीवास्तव जी, इन्होंने तत्काल ही अपनी टीम तैयार की और बनखेड़ी स्टेशन है 30 किलोमीटर लगभग गाडरवारा से, वहाँ पर पहुँच के इन सभी 12 महिलाओं को राउंडअप किया गया। ये सभी महिलाएं भगवानपुरा नागपुर की रहने वाली हैं। इनके डेरे की तलाशी हुई तो इन्होंने जो मशरूका है वो ज़मीन में अंदर गाड़ रखा था। तो इनकी निशादेही से पूछताछ के बाद जो है ये खोद कर सारा मशरूका निकाला गया। जो फरियादियां हैं कंचन पाठक, उनका 100% मशरूका उसी दिन जब्त हो गया था। इनसे पुनः पूछताछ में और भी सोने चांदी के जेवरात मिले हैं और इसमें लगभग 10 से 15 चोरियाँ अलग अलग थाने की जो इन्होंने जीआरपी में की हैं वो भी हम लोगों ने रिकवर किया है। और इसमें तकरीबन अभी जो जब्ती की कार्रवाई हुई है उसमें लगभग 6 लाख का मशरूका है जिसमें सोना है, चांदी है और कुछ कैश रुपए भी हैं। किस तरह से चोरियों को ऐसा ही पूछताछ में आया है और जो रिकवरी हुई है उसमें यही लगा है कि टारगेट इनका महिलाओं का ही रहता है और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों को ये ज़्यादा टारगेट करती हैं। जहाँ भी ऐसा लगता है कि भीड़ में ये शामिल होकर वारदात को अंजाम दे सकती हैं, इस प्रकार के ये मॉडस ऑपरेंडी इनका रहता है कि भीड़ में शामिल हो जाएं और लोगों को क्योंकि इनके साथ छोटे बच्चे भी रहते हैं तो इस पे आसानी से शंका नहीं होती कि ये चोर हैं या इस तरीके की वारदात को अंजाम दे सकती हैं। खंडवा टैक्सी में भी पता लगा है कि स्थाई वारंट भी हैं, एक खंडवा में है, गाडरवारा में है और कुछ और थानों में भी इनके स्थाई वारंट हैं और इसके बारे में सभी थानों को सूचित किया जा रहा है ताकि आगे की कार्रवाई भी हो सके। मैडम ये एक ही जो पूछताछ में पता लगा है ये भगवानपुरा नागपुर बताया है इन्होंने अपना एड्रेस, और इसमें अभी टीम जाएगी तस्दीक के लिए कि वहाँ इनका घर कहाँ पे है और फैमिली मेंबर्स कितने हैं, क्या हैं और ये इस तरह की वारदातों में कब से संलिप्त हैं।